कम से कम हमें बेसिक फैसिलिटीज तो दे, अगर हम लोग इतनी हैवी, हम लोग एक हेफ्टी अमाउंट अपने हमारे माँ बाप पे करें। इससे बेहतर नहीं कि हम प्राइवेट ले लें, गवर्नमेंट इसीलिए आते हैं, हम मिडिल क्लास है। इजाफी इन्होंने लेट फीस वगैरह लगाई हुई है, हम इसी से यही मुतालबा करते हैं कि ये फैसला वापस लिया जाए। हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो हम तमाम जामे को बंद कर देंगे, तमाम गेट्स बंद कर देंगे। हमारे तो सिंपल से मुतालबात हैं कि हमारी जो फीसों के ऊपर जो इजाफी इन्होंने लेट फीस वगैरह लगाई हुई है, हम इसी से यही मुतालबा करते हैं कि ये फैसला वापस लिया जाए। स्टूडेंट अपना मतलब इतने ज्यादा तरीके से निकले हैं तो उन्हें मानने चाहिए मुतालबात हमारे, ताकि हमारी फिर पढ़ाई जारी हो सके, ऐसे पढ़ाई भी रुकी हुई है हम लोगों की। पॉइंट्स की मेंटेनेंस नहीं है, आप लोग कम से कम हमें बेसिक फैसिलिटीज तो दें, अगर हम लोग इतनी हैवी, हम लोग एक हेफ्टी अमाउंट अपने हमारे माँ बाप पे करें, तो आपको चाहिए कि हमें प्रॉपर पॉइंट सर्विसेज दें। पीसी साहब ने हमारे पॉइंट्स के मुताबिक पे रजामंदी तो दी मगर कोई एक्शन नहीं लिया, उसके अलावा फीसों के ऊपर भी हमारा वो इशू है फीसों का, वो बात सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ की फीस इतनी ज्यादा हो गई है तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, वो इतनी ज्यादा एग्जामिनेशन चार्जेस उन्होंने लगा दिए हैं, पहले 34 मैंने दी थी, अब इस दफा 38 दी और आगे भी बढ़ने के चांसेस है। इससे बेहतर नहीं कि हम प्राइवेट ले लें, गवर्नमेंट इसीलिए आते हैं, हम मिडिल क्लास है। अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो हम तमाम जामे को बंद कर देंगे, तमाम गेट्स बंद कर देंगे और ये एहतजाज फिर पूरे शहर में फैल जाएगा। हम इमरान खान टिशोरी के दफ्तर जाएंगे और वहाँ के मुजाहरा करेंगे, हम पूरे शहर में प्रोटेस्ट को लेके जाएंगे, अगर जिम्मेदारी के साथ ये हमारा ये मामला हल ना किए गए। गुज़श्ता रोज़ जो वीसी साहब से बातचीत हुई उसके बाद उन्होंने एक ही बात की कि हम ये मुतालबात पूरे नहीं कर सकते, आपने जो करना है कर लो। ये क्या बात हुई, ये तो गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की उन्होंने कि जो करना है कर लो, हमें वो करने पे मजबूर ना करो जो हम करना नहीं चाहते। हम अगर वो जो करना है करने की पॉलिसी पे आए तो फिर आपको कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी।